गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में, देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी के इस खूबसूरत से क्षेत्र से। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और हम भी यहाँ सब मस्त है। आज की नई ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से और मेरे घर से। आज के मौसम की बात किया जाए दोस्तों, तो आज का मौसम कुछ ऐसा है, बारिश हो रही है कल रात से ही और आज तो थोड़े बहुत बर्फ़ भी गिरे हुए हैं। यहाँ तो बहुत कम गिरे हैं, ऊपर पहाड़ियों में खूब ज़्यादा बर्फ़ गिरे हुए हैं। बाकी दोस्तों धूप भी कभी आ रही कभी जा रही और बारिश तो कंटिन्यू है, हल्के फुल्के बारिश भी हो ही रही है जो कैमरे में नहीं दिख पा रहा है। और सामने मम्मी ने फूल रख दिए थे कल बाहर पर, क्योंकि कल रात से ही बारिश हो रही थी तो फूल में ना बहुत धूल जम गई थी, तो धूल साफ हो जाएंगे करके मम्मी ने यहाँ पे को फूल रखे हुए हैं। और ध्रुव तो बर्फ से खेलने भी लग गया है। सामने पे दोस्तों माही कपड़े धो दिए क्योंकि माही को पीरियड्स हुए हैं और पीरियड्स के 5वें दिन में ना सारे बिस्तर वगैरह धोने होते हैं, तो माही वही काम कर रही है। तो बाहर का मौसम भी आपको दिखा दिया है कैसा हो रहा है आज बाहर का मौसम। बाकी दोस्तों जस्ट अभी मैं उठी हुई हूँ, अभी तो मैंने चाय वगैरह भी नहीं पिया है, तो सबसे पहले तो मैं फ़ोन चार्ज में लगा देती हूँ। मेरे फ़ोन में बहुत कम बैटरी है तो एक बार फटाफट से फ़ोन चार्ज में लगाते हैं, तब तक मैं भी चाय वगैरह पी लेती हूँ और आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। ठीक छू गाइज, ये देख सकते हैं यहाँ से, ये मेरी ब्लॉगिंग का मजाक बना रहा है, ये मेरी ब्लॉगिंग का बिस्तर में अभी लेटा हुआ है, 9:30 हो चुके हैं। ये देख सकते हैं कितना लंपट है, इसको कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, बस इसको सोने के लिए चाहिए और इसको फ़ोन चाहिए और चिकन भात चाहिए बस, और कोई कुछ करना भी चाह रहा हो तो ये ना उसका टांग खींचता है। जैसे कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ ना तो ये मेरा मजाक बनाता है रोज़, हेलो गाइज तो ये तो वो ऐसे बोलता रहता है यार, किस किस का भाई ऐसे करते, कमेंट ज़रूर करना। ये देख सकते हैं ये कपड़े ऐसे फैला के रखे हुए, कोई यहाँ पर गिरा रखा है फूल का पॉट, वहाँ पर गिरा दिया है कुछ मतलब नहीं। और वो देख सकते हैं सामने पे कुशन भी गिरा दिया है इसने। ये देख सकते हैं उठ चुका है, ये मुंह छुपाता है, ये मेरे ब्लॉग में आना नहीं चाहता है। आधा तेरा आधा मेरा, चलो ये गाना ही सुना दो अच्छा सा। बहुत अच्छे अच्छे गाने गाते हैं दोस्तों ये, आज इनको एक गाना सुनाने के लिए बोलती हूँ, बोल सुनाता है नहीं सुनाता है, देखते हैं। हुनोए भैया 10 से बैदुल चल स्टार्ट, 1 2 3 1 2 3 8 ये देख सकते हैं ये सुबह उठ चुका है। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये देख सकते हैं हैंडसम हंक हैंडसम हंक, ये देख सकते हैं लुत भी हुआ है इसको, कन्या आ रहा है ये देख सकते हैं हैंडसम हंक का पाँव, ये देख सकते हैं ये पूरा उसका लुक ऐसा है पीछे से, ये देख सकते हैं। कोई योग्य कन्या हो इसके लिए तो कमेंट करे। और चप्पल देखो उसकी फुट में नहीं जा रहा है इसका चप्पल आज बच्चे सभी लोग घर पे ही हैं क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है ठंडा ठंडा वाला इस वजह से। और दोस्तों अभी ना धूप और बारिश वाला मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और धूप भी लगा हुआ है, तो ऐसे मौसम को ना हमारे वहाँ स्याल का बरात कहते हैं, घाम पहनी स्याल बरात, यानी जब घाम और मतलब धूप और बारिश हो तो उसको ना स्याल का बरात बोलते हैं, जब घाम और पानी होता है तो। और गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, मम्मी बना रही है यहाँ पे को नाश्ता। गुड मॉर्निंग मम्मी, नाश्ते में क्या बन रहा है आज? ओहो आज चाउमीन बन रहा था दोस्तों, मम्मी यहाँ पे बना रही है चाउमीन। अभी दिन के 12 बज गए हैं और हमारा दिन का खाना बनाने का टाइम भी हो गया है। आज के खाना दोस्तों मैं ही बना रही हूँ, वैसे मैं खाना वाना बहुत कम बनाती हूँ, मैं बाहर बाहर का काम ही ज़्यादा करती हूँ, बट दोस्तों आज मेरी ड्यूटी लग गई है क्योंकि मम्मी को हो रहे हैं पीरियड्स, तो इस वजह से आज का दिन का खाना मैं ही बनाऊंगी। आज का 3 दिन तक मेरी ड्यूटी रहेगी खाना बनाने की। 2 दगड़ियों मेरा चावल बन गया है, अभी मैं बना रही हूँ सब्जी और अभी मैं आ गई हूँ अपनी पहाड़ी रसोई में। आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेज,
तो अभी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे पे। चूल्हे पे ही अच्छा लगता है साग, तो मैं चूल्हे पे ही बना रही हूँ। तो बड़ी मुश्किल से मेरे से आग जला है। आग जलाने का ना बहुत बड़ा टास्क होता है, जल्दी जलता नहीं है आग, बड़ी मुश्किल से जलता है। तो आग मैंने अभी यहाँ पे जला दी है और अभी मेरे को बनाना है मिक्स वेज। मिक्स वेज दोस्तों मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया है। मिक्स वेज में गोभी, मटर, आलू, बीन्स, प्याज, टमाटर, टमाटर भी मैंने इसमें काट दिए हैं, धनिया भी काट दिया है, और जो लहसुन के पत्ते होते हैं वो भी मैंने यहाँ पे काट दिए हैं। बाकी मुझे भी काटना है प्याज, बाकी सारा सब्जी मैंने काट के उसको धो के भी मैं लेके आ गई हूँ। और यहाँ पे कढ़ाई पे मैंने तेल भी डाल दिया है। तो अब बनाते हैं सब्जी। खाना भी हम लोगों ने खा लिया है, बाकी अभी टाइम हो रहा है 4:30। अभी मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, सुबह मौसम बहुत ही ख़राब था, बर्फ भी पड़ी हुई थी और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। अभी भी कभी कभी बूंदाबांदी हो रही है बट बारिश नहीं हो रही है। अभी का मौसम कुछ ऐसा है दोस्तों, बादल हट चुके हैं कहीं कहीं पे और कहीं कहीं पे बादल हैं। बाकी दोस्तों मम्मी ने दन लगा लिया है क्योंकि अब दिन लंबे भी हो गए और थोड़ा बहुत गर्मी भी होने लग गई थी, बट कल और आज मौसम बहुत ख़राब था तो उससे काफ़ी ठंडा भी हो रहा था। मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है कब क्या हो जाए। और यहाँ पे मम्मी ने अपना कारोबार स्टार्ट कर दिया है फिर से। बाहर भी रात हो गई है और अभी टाइम हो रहा है 7:30। हमारे यहाँ रात के खाने की तैयारी भी हो गई है दोस्तों, और मैं बना रही हूँ अभी चावल और अभी मैं तैमूर के सूप की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि ठंडा भी बहुत है, बाहर पे बारिश हो रही है और बादल भी गरज रहे हैं। और ठंडे में दोस्तों तैमूर का सूप ही अच्छा होता है। मुझे भी हल्का फुल्का जुकाम लग गया है तो मेरे लिए भी अच्छा ही है, वो जुकाम को ठीक करता है, तो इस वजह से मैं तैमूर का सूप बना रही हूँ। बाकी दगड़ियों दिन की सब्जी बची हुई है तो उसी के साथ खा लेंगे हम लोग। तो चलिए फिर एक बार मैं तैयारी कर लेती हूँ तैमूर के सूप के बनाने की। तो गाइस सब लोग खा पी के आ चुके हैं अपने अपने बेड में, ये देख सकते हैं सभी लोग लंपहर हुए हैं। यहाँ पे भाई भी सो गया है। अरे तेरा तो बिस्तर ही नहीं लगा है, बिस्तर ही नहीं लगा दे, चलो अभी मैं लगा देती हूँ, ठीक है। माही का यहाँ पे बोर्ड का एग्जाम है तो बुक्स ऐसा फैला के रखा है माही ने, मैथ्स द कला इतनी किताब पढ़ छे। ध्रुव को बहुत हंसी आ रही है। दिखावटी है ना ये, ना हाँ ये देखा, पूरा बेड उसने बुक्स से भर दिया है। और ये रही इसका बोर्ड का एग्जाम ना फिर मर। तो गाइज यही है वो लड़की जिसका बोर्ड का एग्जाम है गाइज। और ये ना इस बिचारी को ना क्या कर सकते हैं हम, कब से एग्जाम बताना मैं। सरप्राइज बोलना सीख ले बहन पहले। ओहो ध्रुव तेरा लू तेरे जीरे धनियो हूतन वाला मुझे खाने ऑन पे भी लग रहे। तूने इसका बेड क्यों नहीं लगाया, बिस्तर क्यों लगाया इसका, लगा दे बहन। हाँ जब जब तू लड़ता है मेरे साथ वो अपनी होता है आगे। मैंने बोला, मैंने सोचा था पप्पा के साथ सोएगा, तब मैंने सोचा था खाना खा के आके फिर लगाऊंगा। सिंगल के हाथ गया था गुस्सा आ रहा था इसको देख, ये इसने मेरे को पैसा दिया था औलाद ना के फिर मैं वो केला सिंगल के हाथ गया था। यहाँ से इतने बारिश में होगी तड़ी नहीं लगा दी, इतनी हड़ामी है। हाँ यार ओके राशन मिल गया था, गया था मैं तो इसके लिए नहीं मिलते के दिख रहा है ना तेरा प्यार भाई, तो इसके लिए रोज नमकीन लाता। और ये देख नमकीन पैसा कौन देता है रे, हैं तूने कब देती है ही? मैं कभी तेरे लिए बिस्कुट लाता हूँ, कभी नमकीन लाता हूँ, कभी नो क्या लाता हूँ, कभी कभी जूस लाता हूँ, कभी केक लाता हूँ। ये भूख है बताता हूँ, झूठ बोलना देखता अभी कैमरा ऑन है तब के रहना तू। ध्रुव आज कब से दिख रहा है ब्लॉग में, कॉमेडी वीडियो कब बना रहा है फिर तू, हैं कल बनाएगा, ठीक चुप। तुम कल बनाना लेकिन मैं नहीं होंगी उसमें, ठीक ना, तेरे से एक्टिंग होती भी नहीं है बहन, मैं नहीं होंगी उसमें, तेरे से एक्टिंग होती भी नहीं है, काम है तो मैं पढ़ूंगी। और ये दो पागल होंगे तो इनके चैनल को अनसब्सक्राइब करना। ये देखा
घर के घर का भेदी लंका ढाए, यही होता है, घर के ही होते हैं, मुझे इसका मतलब मीनिंग पता नहीं है। देखा घर के ही होते हैं दुश्मन, बेनी डेनस करना ना वेब है, बेनी डेनस करना ना वेब है, घर वाले होते चिड़ने वाले, देखा घर के अंदर ही मैंने दुश्मन पाल रखा है ना ध्रुव। इसके यहाँ कट्टी कर दे, कट्टी कट्टी कैमरा ऑफ करके भी लगी रही लोग। अभी तो मैं चुपके से बना रही गाइस वीडियो। ये इतना खतरनाक लड़ते हैं, आप लोग भी लड़ते हो, आपके भाई बहन कितना लड़ते हैं बताना, ये देख सकते हैं। अभी मैंने और इसने लगाया बिस्तर, क्या हुआ बक बॉक बॉक तू, ओ माय गॉड तू, लास्ट से दूंगी अब तमीज सीख पहले बोलने का, हट फुट ध्रुव, बाय मेरे मेरे भाई, बाय गुड नाइट, ठीक चु बाय बाय। अभी आ गई हूँ अपने रूम पे और मेरा यहाँ पे बिस्तरा भी लग गया है, वैसे सभी लोगों का बिस्तर माही लगाती है, सुबह मेरा काम होता है तय करने का, बाकी रात में माही की ड्यूटी होती है बिस्तर वगैरह लगाने की। चलिए फिर दोस्तों आज के इस ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आए, अगर पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं सीमा आपको मिलती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय दोस्तों, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि। Thank you.